गुड मॉर्निंग भाई लोग, कैसे हो सभी? आई होप सब मस्त होंगे। और कल का जो वीडियो देखा आप लोगों ने राइट का, वो मैं गया था 20 तारीख को, नवंबर नहीं सॉरी दिसंबर का 20 तारीख, और मैं घर आया 12 तारीख। हाँ 12 तारीख को घर आया। तो बीच में जो भी ब्लॉग था, ब्लॉग वगैरह सब कुछ बंद, उधर कुछ वीडियो मैं शूट नहीं कर पाया, तो वीडियो तो दूसरा नहीं है मेरे पास, सिर्फ रिटर्न आने का वीडियो है। और मैं नहीं चाहता रिटर्न आने का वीडियो फिर से आप लोग को दिखाए, पर उधर थोड़ा सा आने के पहले दिन थोड़ा सा टाइम स्पेंड किए थे दोस्त लोग एक साथ मिलके, मतलब वो जगह थोड़ा सा एक्सप्लोर किए थे, तो वही वीडियो है ये वीडियो। तो देखो आए वीडियो मज़ा आएगा, और आने के टाइम मैं जितना हो सकेगा कम ही फुटेज रखूँगा, और थोड़ा सा अलग फुटेज रहेगा क्योंकि जाने के टाइम एक रास्ते में गए थे, आने के टाइम और एक रास्ते में आ रहे थे, तो फुटेज थोड़ा सा अलग आएगा। तो ठीक है चलो वीडियो स्टार्ट करते। तो हे हेलो व्हाट्सअप भाई लोग, मेरा नाम अर्पण, आप लोग देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल ARP ब्लॉग्स। चलिए शुरू करते हैं। बताओ टॉपिक आज हमारा, हम लोगों का आज लास्ट दिन है, हम लोगों के साथ अर्पण भैया का लास्ट दिन। तो जाने के पहले एक वीडियो होना चाहिए, ये हम लोगों का डिमांड है, इसलिए ये बोलो ये जो ब्लॉग है हो रहा है, तो लास्ट ब्लॉग हम लोगों के साथ। इसके बाद भी आएगा ब्लॉग जब वो हमारे साथ मिलने आएंगे, बहुत मस्ती होगा। तो आज लास्ट है इसलिए दुख के साथ ब्लॉग कर रहा हूँ इस खेत में आके। लेजेंड जो गिरा था उस खेत में, हाँ याद है, तो गिर गया था, बहुत सारा लोग पहचान थे इसको, आज नहीं गिरेंगे। हाँ और बाकी पीछे मेरा भाई और बहन लोग है जो कि सब्सक्राइबर मेरा है ये लोग, तो बताओ कुछ बताना चाहते हो क्या? वीडियो कैसे लगता है? वीडियो अच्छा लगता है, लाइक कर देना वीडियो को। थैंक यू। बहुत टाइम लगेगा। 2000 years later. ए सेकंड, और जिसको पहले जाने का जल्दी थी मुझे, पर जा रहा है डोपा भाई, क्या ही बताएं भाई। राम भाई फोन कर रहा है अभी। हेलो तो भाई साहब, जब से निकला हूँ दोस्तों को छोड़ के, और आ जाने क्यों, बहुत मन दुख सा हो गया है, अलग ही एक फील है, बता नहीं सकते, बस फील कर सकते हो अगर फील कर पाओगे तो। चलो शायरी बन गया, फील कर सकते हो अगर फील करना चाहते हो तो। झुकसा पार्ट, अभी आते हैं पॉइंट पर, जो कि 165 है घर मेरा इधर से, आने के टाइम जो था और जाने के टाइम क्या होगा नहीं पता, हो सकता है कुछ और भी रास्ते से लेके जाए गूगल महाराज जी, उनको तो कुछ अता पता नहीं है भाई साहब, तो बस एक ही चीज़ से मतलब है, ऐसे तैसे करके तुमको अच्छे गलत सब रास्ते में लेके जाएंगे शॉर्टकट के लिए। और राइट साइड में सुजीत बैग ऐसा दिया है, राइट साइड पे ऐसा है मेरा बैग, मतलब मत ही पूछो, नहीं बताएंगे हम। ये तो बस 3 किलोमीटर हो गया, मुझे ऐसे तैसे करके विद्यासागर ब्रिज को क्रॉस करना है, बस दिमाग पे बस एक ही बात है, बाकी तो मैं समझ लूँगा अपने हिसाब से। ठीक है भाई चलो, अभी तो रास्ता फिलहाल अच्छा है, उधर से ख़राब हो जाएगा मुझे ये भी पता है, चलो राइट का मज़ा लेते हैं। तो भाई गूगल महाराज लगता है मुझे आज धोखा देने वाला है, क्योंकि ये रास्ता मैं पहली बार आ रहा हूँ, जो रास्ते में अभी लेके जा रहा है मुझे, अभी तो 161 किलोमीटर दिखा रहा है, तो अप्रोक्स 11 बज जाएगा, 11:30 बज जाएगा घर पहुँचते पहुँचते। चलो ये भी सही है, पर ये रास्ता कौन सा है भाई, जो बोलो अच्छा है रास्ता। बहुत ही प्यारा लोकेशन है ये, बहुत ही प्यारा, दोनों साइड पानी ही पानी, और बीच पे मैं,
let me take you for a ride. Dancing with the lights, our hearts beating like a drum. तो भाई साहब इतना गुस्सा मुझे खुद पर आ रहा है ना, ज़िंदगी में कभी भी नहीं आया। मतलब मैं लगभग 20 से ऊपर वीडियो क्लिप बना चुका हूँ जब से आया उधर से, पर अभी जब बाइक स्लो किया और जब मैं प्रेस किया कैमरे को, तब मुझे आवाज़ आया कुछ शटर मारने के जैसा। जब मैं ओपन किया तब पता चला किया है, जब मैं 20 क्लिप जो ले रहा था वो वीडियो नहीं था, वो फोटोज़ था। दिमाग बहुत ख़राब हो गया भाई। न्यू टाउन के अंदर से आया, इतना मतलब वीडियो में इतना इन्फॉर्मेशन दिया, फिर भी छोड़ो यार, दिमाग ख़राब हो गया, मेरा पूरा मूड ऑफ हो गया। अब लोगों के लिए वीडियो बने और वो वीडियो नहीं चला। ले और इधर से मैं कैमरा बंद नहीं करने वाला हूँ, जो एडिट करना पड़ेगा, जितना मुझे परेशानी होगी तो होने दो, फिर भी कैमरा नहीं बंद करेंगे। अरे भाई साहब बड़े ही जोश में हो आप, खाली पकड़ घूमना पड़ा इतना, सोचे हुए आप लोग को दिखा देंगे। क्या ही दिखाया आप बोलो। अगर आप लोग ये पूछेंगे मुझे अभी कि ये कौन सा ब्रिज है, तो मैं नहीं बता पाऊंगा, तो मत ही पूछिए। वाओ क्या मस्त बाइक है यार। मेरे पास भी तो सैनी बाइक है, भूल जाता हूँ कभी कभी, इधर से दिमाग खराब करता है। ओके तो मैं गलत रास्ता ले लिया था, बढ़िया है गुरु बढ़िया है। तो ये बाइक वालों के लिए नहीं है और मैं गलती से ले लिया इस लेन पर। एक बार क्या हुआ था, मैं ऐसे गलती से चला गया था रोड पर, ये क्यों दिखा रहा है बे,
ये जगह बहुत कंफ्यूज करता है, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करता है। सर मुझे खड़गपुर जाना है, मुझे खड़गपुर जाना है, कौन सा लेन से जाऊँ अभी? खड़गपुर तो वही रास्ता था, वो जो पास डिजिट है जितना ढुके गला ओटे ढूस में नट सोता बेरी जा वही खाने क्या होने की डांडी के। अच्छा देखो एक आइलैंड घूरे ना और नीचे डांडी ढुके जाते, ये वही ऊपर तो ऊपर से बेरी चले जाते। थैंक यू सर, थैंक यू। तो पुलिस वाले अंकल बहुत ही अच्छा था इधर। Two thousand years later. नीचे है गंगा रिवर और ऑटो से मुझे देख रहे हैं अंकल जी, जो कि बहुत ही बढ़िया है। उधर से बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक जैम जो कि दिखा रहा है, जो कि बहुत ही गंदा है भाई। पुलिस वाला अंकल बहुत प्यारा था, बहुत प्यारा, क्या बात की, बहुत ही प्यारा था। ऐसा पुलिस चाहिए भाई, ऐसा पुलिस चाहिए, बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। इधर दर्द हो रहा है मेरा, दोनों एल्बो पर और किधर भी नहीं, लोअर बैक पे हो रहा है, नहीं हो रहा है ऐसा नहीं बोलूँगा, हो रहा है पर उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, कम जैम नहीं है, मतलब है ही नहीं, पर जिस दिन मैं आया था उस दिन बहुत ही ज़्यादा था। ऐसा एंगल में बैठा हूँ मैं, सीधा नहीं हो पा रहा, इससे बैठा हूँ देखो, इधर से 114 किलोमीटर ओनली, 15 सेकेंड का सिर्फ ब्रेक दिया गया है और फिर से राइट चालू करना है, मैं सीधा नहीं हो पा रहा, ये बहुत ही दुख की बात है। बुलेट वाले भैया नहीं अंकल, बहुत ही जोश में हो बेटे, हाँ भीतरी से पंगा नहीं लेते, अभी थ्रॉटल पूरा नहीं दिया, तू क्या, तू क्या, छोड़ ही दो, 91 पर है, कहाँ भागेगा 150 प्लस और वो कहाँ 120, मजाक हो रहा है क्या। देखो मिरर में, छोड़ जाने दो, ऐसे भी भगा नहीं पा रहे।
2000 years later. तो भाई आज कंप्लीट किए हमने, टोटल रुको से ज़्यादा हो गया क्योंकि ज़्यादा घूमना पड़ा ट्री. हाँ 208 208 किलोमीटर इसके साथ.